ये भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली है। इनकी ये हालत की है कुछ बदमाशों ने। गनीमत ये रही कि बदमाशों के हमले में इन्हें कोई गंभीर चोटें नहीं आई। कल हम लोगों का एक दौरा था ना, रुबास वृदावन होते हुए हम लोगों RVM हॉस्पिटल का भी हमने दौरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा के वैर का भी करना था, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। रात को 11:30 बज रहे हुए और वहाँ मैं तो थोड़ी आँखें भी लग गई थी मेरी। एकदम से कुछ लोग आए थे गाड़ी, यानी कि मेरे भाई बता रहे थे, और उन्होंने के एकदम से मेरी गाड़ी पे हमला किया। और हमला के दौरान गाड़ी को मुड़ा भी लिया था, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी करी और 5-6 जने थे। इस तरीके से मेरे ऊपर हमला किया गया था। का अपना अवैधन का जरूर है, लेकिन मेरी किसी से रंजिश नहीं है, कभी भी ना मेरी किसी से रंजिश रही ना कुछ। आपको पता है मैं अब साधारण परिवार से भी हूँ, तो ऐसा मैं कह नहीं सकती। नहीं, वो अलग मैटर है, हम लोगों का काम है कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इन चीज़ों को देखना हमारा अलग मैटर है। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। सांसद रंजीता कोहली कोरोना महामारी के दौरान रोजाना जिले के अस्पतालों की व्यवस्था देखने के लिए निरीक्षण करती है, जिससे आम जन को समय पर इलाज मिल सके। और इसी अभियान के दौरान उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा किया। जिला अस्पताल का दौरा करने के बाद वो गाड़ी में सवार होकर देर रात अपने घर जा रही थी, जहां रास्ते में ही एक गाड़ी में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने सांसद महोदया की गाड़ी को रोककर उस पर पथराव कर दिया और सरिये से हमला करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दरअसल विगत दिनों सांसद रंजीता कोहली उस समय सुर्खियों में आई थी, जब वे नदवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। उस वक्त वहां तैनात एक चिकित्सक ने उनको कहा था कि सरकार के निर्देशों पर कोरोना के आंकड़े कम कर दिए जाते हैं और कभी बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे नाराज होकर सांसद ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कम कर दिए राज्य सरकार ने, सही केसेस बताने का कोई वो नहीं है प्रावधान। अब बोल दिया परसों से के वापस बढ़ाओ। नहीं, मतलब क्या है, जब ज्यादा केस आते हैं तो बोलते हैं थोड़ा कम करो। नहीं, ये चीजें तो बिल्कुल गलत है। हालांकि सांसद ने इस हमले के पीछे उस अस्पताल की घटना से इनकार किया है और किसी से भी रंजिश न होने की बात की है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। लेकिन सांसद इस समय बेहद भयभीत नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर सांसद पर हमला किन बदमाशों ने किया और हमला करने के पीछे क्या उद्देश्य था। इस बात से फिलहाल सांसद बेखबर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच करेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि सांसद पर हमला करने के पीछे क्या साजिश थी। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।